हाय एवरीवन, कार एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम SBI प्राइम और एक्सिस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए इन दोनों कार्ड्स में से कौन सा बेहतर कार्ड रहेगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हमने कुछ दिन पहले एक्सिस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड पर वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन दोनों कार्ड्स के फर्स्ट पॉइंट में ही डिफरेंस आ जाता है और वो है इन कार्ड्स के एनुअल फीस में। तो SBI प्राइम कार्ड का एनुअल फीस है ₹2,999 प्लस टैक्सेस, जबकि एक्सिस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस है ₹1,499 प्लस टैक्सेस। और एक्सिस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के केस में प्रायोरिटी बैंकिंग कस्टमर्स के लिए कोई ज्वाइनिंग फी चार्ज नहीं होता है। तो SBI प्राइम कार्ड का एनुअल फीस डबल है इन कंपैरिजन टू एक्सिस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड। अब हम फी वेवर की बात करें तो SBI प्राइम कार्ड के केस में ₹3 लाख के एनुअल स्पेंड्स पर रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाता है, जबकि एक्सिस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के केस में ₹2.5 लाख के एनुअल स्पेंड्स पर रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं वेलकम बेनिफिट्स की। स्टार्ट करते हैं एक्सिस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स के साथ। तो इस कार्ड पर आपको 12,500 एक्सिस एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑफ वर्थ ₹5,000, जो आप दो ब्रांड वाउचर्स वर्थ ₹2,500 ईच में रिडीम कर सकते हैं। और आप इन वेलकम बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं अगर आप ज्वाइनिंग फी पे करते हैं और कार्ड लेने के 60 डेज के अंदर 3 ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑफ मिनिमम ₹200 ईच। और ब्रांड वाउचर्स के अलावा आप इन पॉइंट्स को एक्सिस एज रिवॉर्ड्स के वेबसाइट पर भी रिडीम कर सकते हैं ऑन गिफ्ट वाउचर्स, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिनका वैल्यू है अप टू ₹2,500। प्रायोरिटी बैंकिंग कस्टमर्स जो ज्वाइनिंग फी नहीं पे करते हैं उनको थोड़े अलग वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें उनको कार्ड इश्यू होने के 90 डेज के अंदर 3 ट्रांजैक्शंस करने पर ऑफ मिनिमम ₹200 ईच उनको 6,250 एक्सिस एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और इन पॉइंट्स को प्रायोरिटी कस्टमर्स रिडीम कर सकते हैं एक ब्रांड वाउचर पर ऑफ वर्थ ₹2,500 या एक्सिस एज रिवॉर्ड्स के वेबसाइट पर भी रिडीम कर सकते हैं ऑन प्रोडक्ट्स, गिफ्ट वाउचर्स या सर्विसेज जिनका वैल्यू है अप टू ₹1,250। और अगर आप रिन्यूअल फी पे करते हैं तो आपको 3,000 एक्सिस एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आप रिडीम कर सकते हैं। अब SBI प्राइम कार्ड की बात करें तो ज्वाइनिंग फी पे करने पर वेलकम बेनिफिट्स में आपको ₹3,000 के वर्थ का एक ई गिफ्ट वाउचर मिलता है, जो कि आप हश पपीज, बाटा, यात्रा, आदित्य बिरला फैशन, शॉपर स्टॉप या पैंटलून्स पर रिडीम कर सकते हैं। तो दोनों कार्ड्स के केस में वेलकम बेनिफिट्स से ज्वाइनिंग फी तो रिकवर हो जाता है। अब चलिए कंपेयर करते हैं इन कार्ड्स के माइलस्टोन बेनिफिट्स। तो SBI प्राइम कार्ड के केस में ₹50,000 के स्पेंड्स पर एक क्वार्टर में आपको ₹1,000 के वर्थ का एक पिज्जा हट का वाउचर मिलता है और ₹5 लाख के एनुअल स्पेंड्स पर आपको ₹7,000 के वर्थ का एक ई गिफ्ट वाउचर मिलता है जो कि आप पैंटलून या yatra.com में से चूज कर सकते हैं। अब एक्सिस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो ₹2.5 लाख के एनुअल स्पेंड्स पर अपने कमाई हुई एच रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप डबल वैल्यू पर रिडीम कर सकते हैं मल्टी ब्रांड वाउचर्स पर जिनका डिनोमिनेशन ₹2,500 का होना चाहिए। अब लाउंज एक्सेस को कंसिडर करें तो SBI प्राइम कार्ड पर आपको एक साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं कैप्ड 2 पर क्वार्टर और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं प्रायोरिटी पास के थ्रू। लेकिन इसके कंपेरिजन में एक्सिस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड पर आपको सिलेक्ट डोमेस्टिक लाउंजेस पर 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं एक क्वार्टर में और कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं मिलता। इन सबके बाद हम थोड़े होटल, ट्रैवल और डाइनिंग रिलेटेड बेनिफिट्स में डिफरेंसेस देखेंगे। So, Access Privilege Credit Card पर आपको डाइनिंग बेनिफिट्स मिलते हैं जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलता है 4,000 प्लस रेस्टोरेंट्स पर, जबकि SBI प्राइम कार्ड पर आपको ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट्स में क्लब विस्तारा सिल्वर मेंबरशिप मिलता है, एक अपग्रेड वाउचर मिलता है और हर ₹100 की विस्तारा फ्लाइट्स के स्पेंड्स पर आपको 9 CV पॉइंट्स मिलते हैं और होटल रिलेटेड बेनिफिट्स में ट्राइडेंट प्रिविलेज रेड टियर मेंबरशिप मिलता है। इन सब बेनिफिट्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इन दोनों कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स और फिर कैलकुलेट करेंगे दोनों के मैक्सिमम रिटर्न रेट्स। तो SBI प्राइम कार्ड के स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स में आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर ₹100 के स्पेंड्स पर ऑन डाइनिंग, ग्रोसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवीज और 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर ₹100 के स्पेंड्स पर ऑन बाकी सारे रिटेल स्पेंड्स फ्यूल को छोड़कर। और बर्थडे के एक दिन पहले, बर्थडे के दिन और बर्थडे के एक दिन बाद आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर ₹100 के स्पेंड्स पर और ऐसे आप मैक्सिमम 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं एक साल में। जबकि एक्सिस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स में आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर ₹200 के स्पेंड्स पर ऑन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्पेंड्स। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं दोनों कार्ड्स के मैक्सिमम रिवॉर्ड रेट्स। तो दोनों कार्ड्स में हम एनुअल स्पेंड ₹5 लाख के ऊपर रखेंगे SBI प्राइम कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स को ध्यान रखते हुए। तो सपोजिंग दोनों कार्ड्स पर एक महीने में एक पर्सन ए ₹42,000 स्पेंड करते हैं, पहले हम एक्सिस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम रिवॉर्ड रेट कैलकुलेट करेंगे
और हम इस कार्ड पर ओवरऑल स्पेंड ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ऐसे कोई अलग अलग कैटेगरीज नहीं है जिन पे अलग रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। सो रुपीज 42,000 के मंथली स्पेंड्स पर उन्हें 2,100 एक्सेस एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि एक साल में रुपीज 5,04,000 के स्पेंड्स पर उन्हें 25,200 एक्सेस एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन रुपीज 2.5 लाख के स्पेंड्स के बाद जो बाकी रुपीज 2,54,000 के स्पेंड्स पर जो 12,700 एक्सेस एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो डबल होकर 25,400 एक्सेस एज रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे जब वो मल्टी ब्रांड वाउचर्स पर रिडीम करते हैं। तो टोटल वो 12,500 प्लस 25,400 दैट इज इक्वल टू 37,900 एक्सेस एज रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाएंगे रुपीज 5,04,000 के एनुअल स्पेंड्स पर। और अगर हम एक पॉइंट का एवरेज वैल्यू 40 पैसे का अज्यूम करें तो उन्हें रुपीज 15,160 का रिटर्न मिलेगा, यानी कि रिवॉर्ड रेट ऑफ अराउंड 3%। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं SBI प्राइम कार्ड का मैक्सिमम रिटर्न रेट। फॉर सिंपलिसिटी सेक हम बर्थडे स्पेंड्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो सपोजिंग एक पर्सन ए इस कार्ड पर रुपीज 42,000 एक मंथ में स्पेंड करता है, तो स्पेंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो रुपीज 10,000 विस्तारा फ्लाइट्स पे स्पेंड करता है जिससे उन्हें 900 सेवी पॉइंट्स मिलेंगे, रुपीज 10,000 वो डाइनिंग ग्रोसरीज मूवीज और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे स्पेंड करता है जिससे उन्हें 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और रिमेनिंग रुपीज 22,000 वो बाकी रिटेल स्पेंड्स पे करता है जिससे उन्हें 440 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक महीने में उन्हें टोटल 1,440 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और 900 सीवी पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि एक साल में उन्हें टोटल 17,280 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और 10,800 सीवी पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर हम इन सीवी पॉइंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करें तो सपोजिंग एक इकोनॉमी क्लास का टिकट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे 5,000 सीवी पॉइंट्स में आता है जिसका वैल्यू अराउंड रुपीज 4,000 का होता है, तो इसी लॉजिक से 10,800 सीवी पॉइंट्स का वैल्यू हो गया रुपीज 8,640 का। और एक रिवॉर्ड पॉइंट का एवरेज वैल्यू अगर हम 25 पैसे का माने तो 17,280 रिवॉर्ड पॉइंट्स का वैल्यू हो गया रुपीज 4,320 का, प्लस माइलस्टोन बेनिफिट्स में उन्हें रुपीज 4,000 प्लस रुपीज 7,000 इक्वल टू रुपीज 11,000 का बेनिफिट मिलेगा। सो टोटल रुपीज 5,04,000 के एनुअल स्पेंड्स पर उन्हें रुपीज 23,960 का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि रिवॉर्ड रेट ऑफ अराउंड 4.75%। कंक्लूजन में हम ये बोलेंगे कि SBI प्राइम कार्ड का मैक्सिमम रिटर्न रेट एक्सेस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड से बेटर है, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में दोनों कार्ड्स का रिटर्न इससे काफी कम होगा। अगर आप एक साल में रुपीज 2,00,000 स्पेंड करते हैं तो एक्सेस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड पर आप अराउंड 2% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि SBI प्राइम कार्ड पर आप अराउंड 2.7% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक साल में रुपीज 3,00,000 के ऊपर स्पेंड करते हैं जिससे SBI प्राइम कार्ड का फी रिवर्स हो जाता है तो हम इन दोनों कार्ड्स में से SBI प्राइम कार्ड को ही रेकमेंड करेंगे, और अगर आप इतने स्पेंड्स नहीं करते हैं तो आप दोनों कार्ड्स को ही कंसिडर ना करें। और यहाँ खत्म होता है हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल लग सकती है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स क्रेडिट कार्ड कंपेरिजन रिव्यूज and much more, please subscribe to our channel and click on the bell icon so you never miss any updates. Until next time.